गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस वीडियो के टाइटल देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये वीडियो एक चैलेंज वीडियो है एंड आज का हमारा चैलेंज है स्क्रिबल आर्ट। सो हाँ गाइज, ये मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, इसलिए वैसे मेरे लिए तो एक चैलेंज ही है। मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चलिए हम जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज तो मैं इस आर्ट को पेन से ट्राई करने वाली हूँ एंड ऑयल पिस्टल से भी स्क्रिबल आर्ट होता है, बट आज हम लोग देखेंगे कि ये पेन से कैसा होता है। गाइज ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस आर्ट को लेकर। आजकल ये आर्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, कई चैनल्स में मैंने और देखा, कई लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए पहले मैं एक एनिमल ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी एंड देन एनिमल के बाद हम एक ह्यूमन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक रैबिट ट्राई कर रही हूँ स्क्रिबल आर्ट से ही। आर्ट से हमारे रैबिट का कैसा लुक आता है वो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आर्ट को ड्रॉ करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और अगर आपको स्क्रिबल आर्ट पार्ट टू चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगर कोई भी और टॉपिक की वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स ये आर्ट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको बस एक एक ट्रिक जाननी होगी कि आप अपने पेन या पेंसिल या जिससे भी आप ये आर्ट ड्रॉ कर रहे हो उसको एक सर्कुलर मोशन में या फिर आप स्ट्रेट लाइन मोशन में भी, तो अगर मैंने यहाँ पे सर्कुलर मोशन चुना तो मैं सर्कुलर मोशन में बस आप उसको चलाते जाइए और जहाँ आपको ड्राइंग का आउटलाइन दिखाना है वहाँ पर आप उस पेन को थोड़ा डार्क या डबल ट्रिपल लेयर्स में उसको सर्कुलर मोशन में उसको चला दीजिए तो वहाँ पर वो डार्क हो जाएगा। एंड ये आर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल सी शीट ले लो, एक पेन ले लो या फिर आप इसको पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा रैबिट जो है वो कंप्लीट हो गया एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्क्रिबल आर्ट से एनिमल बनाने का ये जो प्रोसेस था ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये काम। एंड मेरा जो रैबिट था वो सक्सेसफुली मतलब प्रिपेयर हो गया जैसे मैंने उसे इमेजिन किया था उसको। तो अब बारी है एक ह्यूमन बनाने की। सो अब मैं एक बॉय का फेस बनाऊंगी जिसका साइड व्यू होगा। ये मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है क्योंकि रैबिट बनाना कहीं ना कहीं थोड़ा इजी होगा, बट एक ह्यूमन का फेस बना देना वो भी स्क्रिबल आर्ट से वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो गाइस जैसा आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन में पेन चला रही हूँ, तो आप भी वैसा ही कुछ करिएगा। आप अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेट लाइन ही रहने दीजिएगा एंड अगर आप सर्कुलर कर रहे हैं तो उसको सर्कुलर ही रहने दीजिएगा। अगर आपने कहीं सर्कुलर कहीं स्ट्रेट लाइन कर दिया तो ड्राइंग थोड़ी गंदी उसका लुक आ सकता है, वो थोड़ा गोदा गादी सा लगने लगेगा। एंड गाइज मुझे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ये स्क्रिबल आर्ट ट्राई किया, बहुत अच्छा है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। सो गाइज ये जो बॉय का फेस है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एंड आपको ये दोनों ड्राइंग में से कौन सी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड क्यों अच्छी लगी उसकी स्पेशलिटी भी बताइएगा। पार्ट टू में स्क्रिबल आर्ट पार्ट टू में आपको कैसी ड्राइंग चाहिए वो भी बताइएगा। सो बस गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।